काफी बड़ा छेद किया गया है और इस साइड में भी देखिए नुकीले चीज से मारे होंगे। तो मैं आप लोगों पर कहा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे अभी हम लोग झारखंड के बहुत सारे यूट्यूबर जो है अभी हम लोग आए थे हरिद्वार, जहाँ पे यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब एशिया में सबसे बड़ा कांवड़ मेला लगते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारे डीजे भी आते हैं, लगभग 10,000 से प्लस डीजे यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें कि हमारे झारखंड से डीजे सार्जन भी आए हुए जो कि 1600 किलोमीटर दूर से आए थे। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग बताना चाहते हैं, और सॉरी दोस्तों आप लोग सुन सकते हो यहाँ पे एक डीजे बज गया, इस कारण हम फेस वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि आवाज़ जो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। सेटअप जो है सारा माल खुल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक क्या बोले मतलब क्या ही हो गया, आप लोग देख ही सकते हैं और बहुत सारे वीडियो भी आप लोग देख लिए होंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ सारे डीजे के साथ। यहाँ पे मतलब यहाँ पे वेलकम मतलब स्वागत करना चाहिए था यहाँ के डीजे वालों को जो कि यहाँ पे लोकल थे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे जो यहाँ पे रावण डीजे था यहाँ पे वो उनको छोड़ के मतलब सभी डीजे वाले यहाँ पे जितने भी सारे डीजे थे, कसाना डीजे थे, मोनू डीजे था, उसके बाद और एक बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े डीजे था, नाम हमको याद नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग यहाँ पे हरिद्वार पहली बार आए हुए हैं। उसके बाद क्या नाम याद करते हो, रावण डीजे, रावण तो उसी का साथ हुआ ही है, एक धड़कन डीजे था, उसके बाद एक न्यू अमर था जो कि काफ़ी फेमस ही है डीजे सब, लेकिन सबको मिल के यहाँ पे इसको स्वागत करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक उल्टा हो गया इनसे रावण डीजे का, जो कि रात से लगभग यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था सार्जेंट डीजे के साथ। और सुबह जब इनके साथ मतलब काफ़ी देर से होने लगा और सेटअप जो एकदम पूरा सटने लगा एकदम, उसके बाद क्या बॉस होने के बाद इनके साथ वो हाथापाई करने लगे, यहाँ इनका सार्जेंट डीजे को जो यहाँ पे जो बॉक्स लोडिंग किया गया है वही गाड़ी को यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगे। उसके बाद एक जो कि बड़ी सी जनरेटर एक आगे में गाड़ी में थी उसको भी तोड़फोड़ करने लगा ये लोग। तो आप लोग को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सबको अभी यहाँ के जो है जितने टीम है सार्जन भैया के सबको यहाँ पे माल खोलने के लिए रेडी हो गया और लगभग आधा माल खोल भी दिए हैं। जो पे यहाँ पे सार्फी लाइट वगैरह जो था और यहाँ पे एमआई वार क्या क्या था कुछ वो भी खोल दिया, नीचे में देख सकते हैं बेल्ट वगैरह सब खोल दिए। इधर ट्रस की टीम जो है उधर ट्रस लेके जा रहे हैं, आप लोग चारों तरफ दिखा देंगे। वहाँ पे देखिए एम्पलीफायर सब उनका कनेक्शन सारा खुल चुका है, देखिए उधर बेस के आगे और नीचे में पीछे तरफ ट्विटर वगैरह है वो सब के लिए है जो साधन में यूज करते हैं सबका मशीन, जो कनेक्शन जितना था सब खुल चुका है। इधर देख सकते लाइट के लिए इधर कुछ जो एमआईआर वगैरह सब लगाने के लिए सब बनाए हैं जो अपने चलो घर में दिमाग लगाकर वो सब भी खुल चुका है। और देख सकते इधर राइडर भाई जो कि इधर प्रणाम कमाने के लिए इधर आए हुए हैं। और चलिए आप लोग गाड़ी वगैरह दिखा देते हैं, इधर देख सकते हैं जिस के टीन का टी आ रहे लाइट्स वो भी खुल चुके हैं। देखिए इधर वो एलईडी के बक्स है, इधर भी कुछ है, इधर ये लेजर है और आप लोग के चलिए दिखाते इधर कुछ बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर आए हुए हैं जो कि जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, वही सब यहाँ पे सबको पूछ रहे हैं। तो सबको यूट्यूब की तरफ से तो सबको पता ही चल गया है कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, लोग देखिए यहाँ पे बातें कर रहे हैं सबको यही। और आप लोगों को जो दिखाना है गाड़ी, चलिए आप लोगों को दिखा दें कि गाड़ी में क्या क्या किए हैं ये लोग। ये तो भाई साजन भैया के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ भाई, ये जूम करके आप लोगों को दिखा दिए। देखिए शीशा जो है इसमें ड्राइवर को भी लगा है थोड़ा बहुत, देखिए शीशा जो है एकदम फूट चुका है ये और काफ़ी नुकीले चीज से मारे होंगे। और एक जो गाड़ी है इसको भी मारे हैं, हम लोग ये भी दिखाते हैं चलिए साइड से। देखिए ये गाड़ी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जोर से पार किया गया है, देखिए इधर काफ़ी बड़ा छेद किया गया है और इस साइड में भी देखिए। तो इसमें तो दोस्तों इसमें आप लोग बता देते हैं सार्जेंट डीजे की जो टीम है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाराज़ है और थोड़ा दूर मतलब यहाँ पे कमेटी वगैरह जो थे फिर से राजी हो गए थे, जो कि मोनू डीजे था और न्यू अमर था, कौन कौन था अभी फिलहाल आए हुए थे यहाँ पे सार्जेंट डीजे के साथ बातें किए कि चलिए हम लोग आप लोग के साथ आगे भेज जाएंगे इनका जो कांवड़ मतलब कांवड़ जो है मेरठ तक ले चलिए, इनका जो कांवड़ यात्रा है जो सफल बना दीजिए पूरा कर दीजिए।
तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन सब कोई रेडी थे, लेकिन जो घर में पता चलने के बाद यहाँ से वो घर से पूरा फोन आने लगे, जितने भी सार्जन की टीम जो है सबके फोन आने लगे कि ऐसे ऐसे हो गया तो वहाँ पे रहने नहीं देंगे, तो आपको तो भी प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। इसीलिए सब कोई राय लिया कि चलिए अभी घर जाना ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ पे मशीन वगैरह सब कुछ खुलने लगे, देखिए यहाँ पे तिरपाल वगैरह वहाँ पे थे, मतलब बहुत सारे यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा किए थे सार्जन भैया, जो कि हमारे झारखंड से यहाँ पर लगभग 1600 किलोमीटर दूर आए थे, जो कि यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैंस भी मिल गए थे, काफ़ी ज़्यादा फैंस भी हो गए थे। और आप लोग यहाँ पे यूट्यूब देखते हैं मतलब पता ही चल गया कि यहाँ कितना ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका था इस साल सार्जन भैया के नाम से। यहाँ पे देखिए इधर सारे लड़के अंदर में भी कुछ कुछ लगे हुए हैं, सारे कुछ कर रहे हैं। देखिए इधर जो तार वगैरह है इस साइड में बेल्ट वगैरह खुल चुका है। और इधर देखिए काफ़ी ज़्यादा इधर फिर भीड़ बढ़ने लगे, क्योंकि सब कोई देखने आए कि क्या हुआ इनके भैया के साथ, क्या कुछ हुआ है, वही सब देखने के लिए आए सब कुछ। और सबको बता रहे कि ये बहुत गलत हुआ है, तो ऐसे में और कोई कोई डीजे वाला अगर बाहर से बुलाएंगे तो कोई नहीं आना चाहते हैं, नहीं आना चाहेंगे फिर बाद में। देखिए इधर सब उतरना स्टार्ट हो चुका है, ऊपर में दो ट्विटर खुल चुका है ऊपर में और तीन पीस है, और नीचे में टोटल भैया के 30 पीस बेस लगे हुए हैं, और नीचे में जो थे 5 पीस टोटल 35 पीस था, वो सब भी पहले ही खुला था वहाँ पे जब टेस्टिंग हुआ उसके बाद ही जब निकल रहे थे उसी टाइम। और उनका तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लगा हुआ था, रावण डीजे आप लोग देखे होंगे, इनका 30 और उसका 45 बेस में टक्कर हुआ था, फिर भी कुछ मतलब वही है शायद बजने में उनका दिक्कत हो रहा था या फिर कुछ ऐसे ही उनका थोड़ा धीरे बजा रहा था, उसका सुनाई नहीं दे रहा था सुबह सुबह टाइम के, तो उसी टाइम उसका हाथापाई होना स्टार्ट हो चुका है, उसी टाइम इसका शीशा वगैरह तोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे देखिए इस गाड़ी में भी एक भैया के डीजी थे, और भी बहुत इधर भी एक गाड़ी, इस गाड़ी में भी एक डीजी है शायद, पूरा हैवी शरीर वगैरह सब कुछ था, लेकिन साधन जाकर सेटअप जो है गर्दन में लग रहा है पूरा हैवी, मतलब 3 बेस में ही। तो यहाँ पे इनका बहुत जो नाम हुआ है, आप लोग यहाँ पे क्रेज देख के पता चल जाएगा। इधर देखिए पतरा तू से आया है उधर इधर रमेश भाई आजमगढ़ तरफ से, अभी बहुत सारे इधर हैं, तो घर निकलेंगे अभी ठीक है। इधर देखिए इधर फ्लाइट केस वगैरह, इधर विकास बैठा हुआ है, रितेश भैया सोए हुए हैं अभी, तो चलिए आगे क्या कुछ होता है आप लोगों को दिखाएंगे, किस तरह से माल इनका खुलता है और किस तरह से क्यों वगैरह होगा वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग तो नहीं देखे होंगे साधन वगैरह सेटअप वगैरह खुलते हुए, तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं साधन वगैरह सेटअप जो है किस तरह से अब खोलने वाले हैं। खोलने का तो ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे सेटअप जो रेडी करना है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लगता है, जैसे कि यहाँ पे साधन भैया 3 से 4 दिन पहले आए थे और सेटअप को रेडी करने में लगभग 4 से 5 दिन लग गया था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा दोस्तों, जो कि आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहे थे भैया, जो कि यहाँ पे मतलब तो अपना जलवा दिखाने के लिए आए थे, लेकिन क्या बोले भाई यहाँ पे ऐसा हो गया, ये सब नहीं करना चाहिए था इस समय, और कोई नहीं आएंगे यहाँ पे हरिद्वार में, ऐसा अगर कीजिएगा कोई अपने डीजे बाहर के डीजे वाले के साथ। ये देख सकते इधर जो एक लेडी आती है इधर वीडियो वगैरह बनाती है हरिद्वार में, वो भी आ चुकी है यहाँ पे सार्जन भैया का मतलब कुछ जानकारी लेने के लिए, इधर देख सकते इधर पहुँचे हुए हैं अब लोग को साइड से चले दिखाते हैं। इधर देखिए सबको अभी यूट्यूब में लगे हुए हैं, मतलब यूट्यूब में बोल रहे हैं ब्लॉग में लगे हुए हैं कि यहाँ पे जितने जितने लगभग ब्लॉगर था बड़े बड़े यहाँ पे सब कोई आए हुए हैं इनके साथ में जाकर सब कुछ मतलब दुख वगैरह पूछताछ करने के लिए क्या कुछ हुआ है क्या नहीं, तो वही सब जानकारी ले रहे हैं सब कोई। उसी तरह से हम भी आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके, इधर देख सकते इधर आए हुए हैं इधर में हम लोग। आ गए हैं कि नहीं माल मत खोलिए फिर से बजाइए हम लोग को सुनना है।
देख सकते हैं इनके सारे ट्विटर जो है खुल चुके हैं अब 30 बेस खाली बची हुई है। देखिए इधर वह देख सकते हैं बेस के फ्रेम वगैरह इधर लगाए हुए हैं, इसलिए बेस लोडिंग किया जाता है। और ऊपर में देखिए इधर हुक वगैरह क्या कुछ लगा इनका जुगाड़, जो कि सब लोडिंग सब मतलब प्रॉपर तरह से जो सेफ्टी वगैरह रहता है इसीलिए बनाए जाते हैं सब। देखिए इधर बहुत सारे इधर आए हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, सब कोई पूछताछ कर रहे हैं इसीलिए। तो चलिए अब लोग फिर दिखाते हैं थोड़ी देर बाद क्या कुछ हो रहा है फिर इधर। तो भाई लोग अभी भी इनके नारे लगाए जा रहे हैं।